YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। संत मरियम आवासीय विद्यालय में रविवार को आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि, गणमान्य जनों और विद्यालय परिवार की ओर से 2 मिनट का मौन धारण कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद अतिथि के हाथों दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संत मरियम के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत नृत्य व संगीत की आकर्षक प्रस्तुति भी दी, जिसे देख लोग भाव विभोर हुए। वहीं आगत अतिथियों ने बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का घूम घूम कर बड़े ही बारीकी से अवलोकन किया। बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देख अतिथिगण काफी प्रभावित हुए। इससे पूर्व बच्चों ने गुलाब का फूल भेंट कर मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। वहीं अपने संबोधन में उपायुक्त डॉक्टर अग्रहरि ने बच्चों से कहा कि प्रगतिशील समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए त्याग और बलिदान की भी जरूरत होती है। कहा कि स्वच्छ भारत जैसे मिशन को लोगों के सामूहिक प्रयास से सफल बनाया जा सकता है। कहा इसका असर तभी दिखेगा जब इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की जरूरत पर भी बल दिया। सबसे पहले तो पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाषण नाथ चतुर्वेदी जी की 2 पंक्तियों के साथ, मुझे तोड़ देना मन वाली, उस पथ पर देना तुम पे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, इस पथ जाए वीर अनेक। आज हम सभी लोग इस कैंपस में उपस्थित हैं, क्या सोचा हम एक उम्मीद के साथ हैं, हमारे आंखों में एक स्वप्न है
कि हम एक सभ्य समाज, विकसित समाज, प्रगतिशील समाज की कल्पना के साथ जी रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाला भविष्य हमारा जिन अंधकार, जिन दिक्कतों के साथ जो हमारा इतिहास है, जो हमारा अतीत है, गुजरा है, उसके अनुसार न हो बल्कि एक हमारी सोच के अनुसार, हमारी कल्पनाओं के अनुसार उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि हम कला, स्वच्छता इत्यादि अनेकों चीज़ों के साथ अपने सभ्य समाज की गणना करते हैं, गढ़ते हैं, सुंदर बनाते हैं। लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की सुरक्षा करने के लिए त्याग, बलिदान की उतनी आवश्यकता है जितना हम लोगों को आज की स्थिति में, आज पुलवामा घटना के बाद सभी लोगों के आंखें नम है, सभी लोगों के मन में मुझे श्रद्धांजलि है। हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि जिस भी देश में जाइए, अगर कोई विकसित देश है तो विकसित देश अपनी शासन प्रणाली की वजह से विकसित नहीं हुआ है बल्कि वहाँ के लोग उसको विकसित बनाते हैं। अगर किसी शासन प्रणाली में कोई कमी है तो लोग उसको दूर करते हैं और एक सोशल जो रिफॉर्म होता है ना, या सिविल सोसाइटी का जो जागृति होती है, उसकी वजह से वो देश विकसित, विकास की ओर आगे बढ़ता है। हम लोग आज के डेट में स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में प्रचार प्रसार भारत सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है और बहुत से समाज के जो समझदार व्यक्ति हैं सभी लोग आपस में एकजुट होकर सभी के बीच में प्रचार प्रसार के साथ उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या आप लोग लगता है कि उतना असर आ रहा है जितना आना चाहिए? इसका असर तभी आएगा जब सभी लोग एक यूनिसन में होकर काम करेंगे, एकजुटता के साथ काम करेंगे। हम में बदलता हूँ, अपना घर साफ करते हैं, घर साफ करने के बाद कूड़ा सड़क पर डाल देते हैं, अब अगला बंदा भी अपना घर साफ करता है वो भी कूड़ा सड़क पर डाल देता है। आपका घर तो साफ हो गया लेकिन सड़क साफ नहीं हुई, फिर सड़क साफ होती है तो कूड़ा जाइए किसी कूड़े वाले स्पॉट पे जाके गिरा दिया जाता है, मतलब सड़क साफ हो गया लेकिन कूड़े वाला स्पॉट साफ नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली जो कचरा है ना वो आपके इलाके का आपके इलाके में रह जाता है और ये सोच कैसे होगी, दूर कैसे होगी? इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम अपने घर से जो वेस्ट निकल रहा है उसका रिड्यूस, उसको उसका मिनिमम प्रोडक्शन करें और दूसरा है रीयूज, अगर निकल रहा है उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं हम लोग तो उसका दोबारा उपयोग कर लें, और तीसरा होता है रिसाइकिल, अगर किसी रिसाइकलिंग प्लांट में जा सकता है उसको रिसाइकलिंग में डालें ताकि उससे नई चीज़ बने, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है किसी भी वेस्ट को एक्सेप्ट करनी है। अदरवाइज आप जहाँ जाएंगे, चाहे वो हमारे क्या नाम तालाब हो, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो झील हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र, सभी जगहों पे एक कचरे की एक जो मात्रा है ना वो एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा हो चुकी है और इन तीन चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इन चीज़ों के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन दिया जाए, किसी को सिखाया जाए, किसी को जागृत किया जाए, स्कूलों के द्वारा इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए और स्कूल में जो बच्चे होते हैं वही आगे आने वाले समय में भविष्य मन के तौर पे, अगर उनके मन में शुरू से अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और समाज के प्रति वफादारी भी जागृत रहे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत ही उत्कृष्ट समाज हम लोग को रिजल्ट के तौर पर मिलता है। मेरी आप सभी लोगों से फिर से यही अनुरोध होगा, नम्र निवेदन रहेगा कि स्वच्छता अभियान जो देश में चलाया जा रहा है वो पिछले कई वर्षों से चल रहा है, डेफिनेटली इसने बहुत कुछ अचीव भी किया है और आगे आने वाले समय से बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता भी है, उसमें आप सभी लोग अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दें और उस योगदान के द्वारा ही अपने शहर मेदिनीनगर को, अपने ज़िले पलामू को, अपने राज्य झारखंड का, अपने देश भारत का भी नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराएं और एक उज्ज्वल भविष्य की जो सोच है वो